कवि डब्ल्यू एच ऑर्डेन का संपूर्ण परिचय। गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। रेनबो ट्वेल्थ से नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट बाय डब्ल्यू एच ऑर्डेन। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे डब्ल्यू एच ऑर्डेन का परिचय, लाइफ ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डेन। और इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का वर्ड पावर करवाए थे। गुड नाइट डियर स्टूडेंट, तैयार हो जाइए। गुड नाइट एंड वेलकम बैक टू टीपी एकेडमी सहरसा। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू मिस्टर टीपी यादव एंड टुडे आई वांट टू टीच यू नाउ दैट इज अ फॉलिंग फास्ट। बाय बाय। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई बिफोर यू मिस्टर टीपी यादव। टुडे आई वांट टू टीच यू पोएम नाउ दैट इज आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय डब्ल्यू एच ऑर्डेन। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई डिस्कस यू अबाउट द लाइफ ऑफ द बायोग्राफी ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डेन। आज हम लोग चर्चा करेंगे डब्ल्यू एच ऑर्डेन के जीवनी पर। आप लोग मुझे देखिए भी, सुनिए भी, और साथ साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए, क्योंकि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो लिखा गया है उन्हें भी देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1997। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म 21 फरवरी 1907 में इंग्लैंड में हुआ। इसके बाद हम लोग जानेंगे इनका निधन कब हुआ। डाइड ऑन 29 सितंबर 1973 इन ऑस्ट्रेलिया। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का मृत्यु 29 सितंबर 1973 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया AUSTR है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग आगे और भी बातें जानेंगे। थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को दिमाग में रखना है वो ये है, डब्ल्यू एच ऑर्डेन मीन्स ही वॉज वर्सेटाइल पोइट। मीन्स डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉज वर्सेटाइल पोइट। डब्ल्यू एच ऑर्डेन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉज वर्सेटाइल पोइट। डब्ल्यू एच ऑर्डेन थे वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाले, अनेक गुण वाले, अनेक क्षमता वाले। डब्ल्यू एच ऑर्डेन थे वर्सेटाइल पोएट, बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि थे। साथ साथ इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल का हिंदी क्या होता है, बौद्धिक क्षमता वाले, बौद्धिक रूप से। और भिगोरस का मतलब था जोरदार, इम्फैटिक मीन्स पावरफुल, शक्तिशाली।
और भार्स मिस छंदात्मक, यानी वो जो पोएम लिखते थे वो एक सुर में लिखते थे, एक छंद में लिखते थे। और ड्रामेटिस्ट, कैसा ड्रामेटिस्ट? भार्स ड्रामेटिस्ट। भार्स ड्रामेटिस्ट का मतलब हुआ छंदात्मक नाटककार, मिस एक सुर में लिखने वाले, सुर में सुर मिलाकर लिखने वाले नाटककार भी थे। साथ साथ क्रिटिक आलोचक, नहीं एक दूसरे का आलोचना करते हैं, जैसे एक टीचर दूसरे का आलोचना करते हैं, जैसे एक डॉक्टर दूसरे का करते हैं, एक विद्यार्थी दूसरे का करते हैं, एक नेता दूसरे का करते हैं आलोचना, तो क्रिटिक, ये क्रिटिक भी थे, किसी विषय वस्तु पर क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिक आलोचक भी थे। और साथ साथ ट्रांसलेटर भी थे, अनुवादक, ट्रांसलेटर भी थे मीन्स अनुवादक भी थे, यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में रूपांतरण करते हैं, जैसे आप लोग ट्रांसलेटर बनाते हो हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी, तो ट्रांसलेटर भी थे। क्या थे? एक ट्रांसलेटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। क्या थे? ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? अनुवादक। क्या थे? अनुवादक थे। और साथ साथ एडिटर संपादक, संपादक तो आप लोग समझते होंगे, एडिटर, हाँ। तो एक साथ, सबसे पहले मैं आपको इनका जन्म बताया, 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में हुआ, मृत्यु 29 सितंबर 1973 ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और थर्ड पॉइंट जो याद रखना है वह क्या थे, वह बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि भी थे, और क्या थे, बौद्धिक रूप से मजबूत थे, वो क्या थे, विगोरस थे, जोरदार थे, और साथ साथ भर्स ड्रामेटिस्ट, व्यंग भर्स ड्रामेटिस्ट न बोले तो भर्स ड्रामेटिस्ट, भर्स मतलब क्या बोले, सॉरी, छंदात्मक, यानी सुर में सुर मिलाकर लिखने वाले ड्रामेटिस्ट नाटककार थे। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, संभवतः आप लोगों को याद हो गया होगा, अब आगे जानेंगे। क्योंकि डब्ल्यू एच ऑर्डेन में तो बहुत सारे गुण थे, अब इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज मिला। अब आप लोग कहेंगे पुलिट्ज़र प्राइज क्या होता है, पुलिट्ज़र का थोड़ा पुलिट्ज़र पुलिट्ज़र नीचे रखे, यही आपके आपका बुक ही है सामने, थोड़ा देखना भी पड़ता है ना कहीं कहीं, क्योंकि अब हम लोगों का धीरे धीरे दिमाग क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है ना, है कि नहीं। चलिए, तो पुलिट्ज़र, हाँ, तीसरा पॉइंट तक पता, चौथा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉन पुलिट्ज़र प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जायटी। चलिए, अब यहाँ सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा पुलिट्ज़र प्राइज क्या होता है। नोबेल पुरस्कार का नाम आप लोग सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे, तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत तरह के पुरस्कार होते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं ना, जैसे उसी तरह से अमेरिका में, कहाँ पे, अमेरिका में साहित्यिक क्षेत्र में जो अच्छे कहानी कविता सब लिखते हैं उस क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसी का नाम है पुलिट्ज़र प्राइज। तो डब्ल्यू एच ऑर्डेन मीन्स ही वॉन पुलिट्ज़र प्राइज, डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉन पुलिट्ज़र प्राइज इन 1948, डब्ल्यू एच ऑर्डेन को 1948 ईस्वी में, कब, डब्ल्यू एच ऑर्डेन को 1948 ईस्वी में पुलिट्ज़र प्राइज मिला। अब किसके लिए मिला, फॉर हिज कलेक्शन यानी उनके संग्रह के लिए, संग्रह किस चीज का, वो किए थे पोएट्री, कविताओं का बहुत सारे कविता लिख करके एक संग्रह किए, संग्रह करके एक किताब बना दिए, बाइंडिंग करवा दिए। हाँ, तो
डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉन मीन्स ही वॉन पुलिटजर प्राइज इन 1948 किस चीज के लिए? फॉर हिज कलेक्शन, उसके कलेक्शन के लिए, यानी पोएट्री कलेक्शन के लिए, द एज ऑफ एंग्जायटी, वो जो बुक का नाम क्या था, द एज ऑफ एंग्जायटी, द एज ऑफ एंग्जायटी, ए एन एक्साइटी वाई, द एज ऑफ एंग्जायटी, एक मोटी सी बुक लिखे, उसमें कविता का संग्रह था। ये किताब इतनी अच्छी थी, इनमें लिखा गया पोएम इतना अच्छा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट यानी अमेरिकी सरकार को इस बुक के लिए, द एज ऑफ एंग्जायटी के लिए, डब्ल्यू एच ऑर्डेन को पुरस्कृत करना पड़ा, और उसी पुरस्कार का क्या नाम था, पुलिट्जर प्राइज। संभवतः आप लोग समझ गए होंगे, ये पुलिट्जर प्राइज अमेरिकन गवर्नमेंट देती है। चलिए अब यहाँ एक चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म, जरूर आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म शुरू में, सर अभी तुरंत जस्ट पहले, सर अभी बताएं डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ, अब प्राइज अमेरिका से आ गया, ये कैसे हो गया? अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं आगे कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन साहब अपने देश इंग्लैंड में अधिक दिनों तक नहीं रहे। डब्ल्यू एच ऑर्डेन साहब अपने देश में अधिक दिन नहीं रहे, वो अपने देश से दूसरे देश यानी अपने देश इंग्लैंड से अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अपने देश से कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, और वही अमेरिका में परमानेंट फैमिली के साथ सेटल हो गए। अब तो यहाँ बात को जहाँ से शुरू कीजिए जहाँ ख़त्म कीजिए, इस पॉइंट को चाहिए जो इंग्लैंड से अमेरिका आगे, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग और ध्यान से सुन लीजिए, तब फिर इस ये जो इंग्लैंड से अमेरिका चले गए इस बात को हम फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पीछे चलिए, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के मुताबिक, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के मुताबिक जो बात बताए उसको वहाँ छोड़िए, फिर पीछे आइए। नहीं फिल्म देखते हैं, कभी क्या होता है फिल्म में कहानी आगे जाता है कभी पीछे चले जाता है। तो इंग्लैंड से अमेरिका चले गए और वहीं पे इन्हें परमानेंट सेटल हो गए, और वहीं पे अमेरिकी गवर्नमेंट इन्हें पुरस्कार दिया, पुलिट्जर प्राइज। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आप लोग ध्यान से सुनिए, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखते चलिए लिखा हुआ सब कुछ उसमें। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डेन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के मुताबिक, नहीं कोई बात कहते सर सर आप लोग सर मेरे मुताबिक ये चीज़ होगा, मेरे मुताबिक नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, फिर कोई लगता मेरे मुताबिक अच्छे नहीं हैं, मेरे मुताबिक टी पी यादव एक अच्छे शिक्षक हैं, फिर को बहुत स्टूडेंट कहते हैं मेरे मुताबिक अच्छे नहीं हैं। तो सबका अपना अपना मन होता है, इच्छा होती है कौन किसके मुताबिक अच्छे हैं नहीं हैं। तो उसी तरह से अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डेन, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के अनुसार, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के मुताबिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छी पंक्ति है, लाइन है, याद रखिएगा। पोएट्री इज अ सीरियस गेम, एंड डब्ल्यू एच ऑर्डेन क्या कहें पता है, पोएट्री इज ए सीरियस गेम, पोएट्री इज ए सीरियस गेम, सीरियस गेम, पोएट्री क्या है, एक सीरियस गेम है। कहते हैं किसी बात को सीरियस ले लीजिए, तो पोएट्री इज ए सीरियस गेम। तो डब्ल्यू एच ऑर्डेन ने क्या कहा है, पोएट्री इज ए सीरियस गेम। फिर ऑब्जेक्टिव में आपको यही से देखिए, ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहता है, या तो कवि के जीवनी से, या फिर कहाँ से, कविता और कहानी की पंक्ति से रहता है ना। हाँ तो पोएट्री इज ए सीरियस गेम किसने कहा, ए विलियम शेक्सपियर, बी डब्ल्यू एच ऑर्डेन, बताइए सही जवाब। डब्ल्यू एच ऑर्डेन, वास्तविकता यह है कि अभी जो बता रहे इसी सब ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं आप लोगों को, बन जाता है। आप कोई स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेंगे अंतिम में डायरेक्ट बहुत विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव 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 सर ऑब्जेक्टिव सर ऑब्जेक्टिव, तो पीछे सभी थ्योरी को कंसेप्ट को सही से देख लेंगे सुन लेंगे, ताकि तो सारा ऑब्जेक्टिव तो थ्योरी से ही बनता है ना। चलिए बराबर बाहर की बात
अच्छी बातें नहीं, समझदार बनिए आप लोग, नहीं तो क्या अंतिम में एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का दे दूंगा, वो ऑब्जेक्टिव लेकिन लिखो। अच्छा जो जैसा कहोगे आप कमेंट करना, कहोगे तो मैं लिखित रिटेन में ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ले लूंगा, क्योंकि तमाम पीछे जो चीज़ पढ़ाते हैं ना आप लोगों को वही अंतिम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है। इससे बाहर थोड़ी इतने लंबे चौड़े करके बता रहे समझा रहे हैं, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा ना, यहाँ से रहेगा, फिर पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। हाँ तो अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डन पोएट्री इज अ सीरियस गेम। WH ऑर्डन के मुताबिक पोएट्री क्या है, एक सीरियस गेम। चलिए तो ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव का, यहाँ छुरी के साथ ना ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी, याद नहीं करना पड़ेगा। WH ऑर्डन का जन्म कब हुआ ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो वो भी आप जवाब दे देंगे। मृत्यु कब हुआ, WH ऑर्डन को कौन सा प्राइज मिला, WH ऑर्डन को कौन सा प्राइज मिला, पुलिट्ज़र प्राइज मिला, और ये प्राइज कब मिला 1948 में। WH ऑर्डन को पुलिट्ज़र प्राइज कब मिला 1948 में, और किस बुक के लिए, द एज ऑफ एंग्जायटी। फिर द एज ऑफ एंग्जायटी में क्या दिया हुआ है, तो द एज ऑफ एंग्जायटी में कविता का संग्रह है, बहुत सारी कविता लिखा हुआ है। चलिए और WH ऑर्डन एक प्रोफेशनल पोएट थे, यानी उस कविता वगैरह लिखना सारा चीज़ लिखना, वो वर्ष ड्रामा वगैरह लिखना जो था ना, प्रोफेशन ही था उसका, पेशा था, प्रोफेशनल पोएट थे, नहीं तक शौक से नहीं लिखते, प्रोफेशन था, प्रोफेशनल पोएट थे। इनमें से कौन से प्रोफेशनल पोएट हैं, ABCD में ऑप्शन दे दें तो प्रोफेशनल पोएट इनमें से कौन से हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ आप लोगों को जवाब देना होगा WH ऑर्डन। चलिए अब ध्यान से सुनिए। हाँ तो पीछे आप लोगों को बताए थे WH ऑर्डन का जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। WH ऑर्डन का जन्म 21 फरवरी 1907 को इंग्लैंड में हुआ, लेकिन ही लेफ्ट इंग्लैंड वह इंग्लैंड छोड़ दिए इन 1939। WH ऑर्डन को ही कह सकते हैं नाउन की जगह प्रोनाउन, WH ऑर्डन यही लेफ्ट इंग्लैंड, वह इंग्लैंड छोड़ दिए, WH ऑर्डन इंग्लैंड छोड़ दिए इन 1939। WH ऑर्डन 1939 ईस्वी में अपने देश इंग्लैंड को छोड़कर फाइनली एकदम पूर्ण रूप से सेटल, फाइनली एकदम फाइनली सेटल सेटल हो गए। कहाँ सेटल हो गए, अमेरिका में। कहाँ सेटल हो गए समझिएगा, ये बात एग्जाम में पूछे या ना पूछे, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इससे तमाम ऑब्जेक्टिव्स बन जाएगा, लेकिन टोटल वीडियो देखने के बाद। तो WH ऑर्डन साहब 1939 ईस्वी में अपने देश इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गए। यहाँ तो दो बात हो गया, जब WH ऑर्डन साहब अपने देश में थे, अपने देश कहाँ, तो जब WH ऑर्डन साहब अपने देश इंग्लैंड में जब थे, कब थे, 1939 से पहले, 1939 में अमेरिका सेटल हो गए, तो 1939 से पहले बहुत सारा किताब लिखे होंगे, बहुत सारा वर्क होगा उनका, बहुत सारा काम होगा, और जब 1939 के बाद अमेरिका में सेटल हो गए तो अमेरिका में भी सेटल होने के बाद बहुत सारा पोएम वगैरह लिखेंगे, बहुत सारा उनका रचना होगा। तो याद रखें इंग्लैंड में थे वहाँ भी लिखे, लेकिन वहाँ पुरस्कार नहीं मिला है, जब 1939 के बाद अमेरिका में सेटल हो गए उस तो 1939 तक अमेरिका में सेटल हो गए तब ना उनको कलेक्शन ऑफ पोएट्री, बहुत सारा कविता का जो संग्रह लिखे हैं, कलेक्शन ऑफ पोएट्री कविता का संग्रह, और उस बुक का क्या नाम था, द एज ऑफ एंग्जायटी, जो पीछे बता रहे थे बोले थे ना बाद में बताएंगे, द एज ऑफ एंग्जायटी, उनके लिए ना पुरस्कार मिला था पुलिट्ज़र प्राइज। कब, जब अपने देश को छोड़कर 1939 ईस्वी के बाद कहाँ सेटल हो गए,
1939 के बाद अमेरिका में, तब उनको पुलिटजर प्राइज मिला, यही चीज बोले थे, बाद में बताएंगे आपको। अब यहाँ पे व्यक्ति एक ही है, सपोज करो जैसे मेरा जन्म कहीं हुआ, सपोज करो मेरा जन्म इंडिया में हुआ, कहीं क्या हुआ, इंडिया में हुआ, मैं आई मैन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, दिल से भारतीय हैं, आप लोग भारतीय हैं। तो जन्म जैसे मेरा इंडिया में हुआ, हम यहाँ कुछ दिन रहे 10-20 साल, अब फिर इसके बाद हम चल गए दूसरे कंट्री, तो यहाँ यहाँ अगर इस देश में कुछ काम कर रहे हैं ना, आपको पढ़ा रहे हैं ना, नहीं अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको इंडिया से, तो एक काम तो हुआ इंडिया से किया, एक काम फिर मान लो हम अमेरिका चल गए, वहाँ से भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ जो यूट्यूब पे पढ़ाए तो अभी तक तो कोई पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन वहाँ गए तो हमको कौन पुरस्कार मिल गया पढ़ाने के लिए, पुलिटजर प्राइज हमको मिल गया। मतलब मजाक कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो WH ऑर्डेन के काम को दो फेज में बांटा गया, एक है अमेरिकन फेज, एक है ब्रिटिश फेज। तो देर आर टू फेज इन द लाइफ ऑफ WH ऑर्डेन, देर आर टू फेज इन द लाइफ ऑफ WH ऑर्डेन। WH ऑर्डेन के लाइफ में दो फेज ना आया, एक को बोलेंगे अमेरिकन फेज, एक को बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंग्लिश फेज यानी ब्रिटिश फेज, इंग्लिश फेज बोलिए या ब्रिटिश फेज बोलिए, यानी अमेरिकन फेज। अमेरिकन फेज किसको कहेंगे, अब ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, बस विद्वान बनाने के लिए, नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हो, ये बाहर से मैं इधर उधर से अपने पॉकेट से आपको नहीं समझा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जितना उतना पढ़ लीजिए ना, उतना अगर कोई पढ़ा दे ना ईमानदारी से शिक्षक, तो आप तो विद्वान बन जाओगे। जब विद्वान बन जाओगे तो एग्जाम में तो क्वेश्चन विद्वान से ना बनता है, आप लोग को तो विद्वान बनना ही पड़ेगा, कैसे नहीं बनोगे, 100 में 100 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ऑब्जेक्टिव तक भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, तो अमेरिका में रहे तो अमेरिकन फेज 1939 से लेकर के अमर कितना में गए, 1973 में, ठीक हम आप घुमा रहा हूँ आपके दिमाग को घुमा रहा हूँ, 1939 से लेकर के, इनका मृत्यु कब हुआ 1973, तो 1939 से लेकर के 1973 के बीच कहिए जो भी कहिए, इस पर डिस्कस अधिक नहीं करेंगे, बातें गड़बड़ा जाएगा। यानी 1939 के बाद जो टाइम है उसको कहा गया अमेरिकन फेज, और उससे पहले 1939 से पहले को इंग्लिश फेज। एक ही चीज़ को ये 10 मिनट के वीडियो को देखिए कितना लंबा करे घुमा फिरा करके, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बेरोजगार नहीं हूँ, कौन बेरोजगार है भाई, आजकल गांव घर में जाओगे ना, ना खेत कमाने के लिए लेबर करने के लिए तो वो भी नितराता है, आई एम नो टाइम, पटुआ कटाने के लिए खोजोगे तो 400 रुपया रोज मांगेगा, और घुमा फिरा के जानते हो ना वो पहले से एक कट्ठा से अधिक नहीं काटना है, चाहे तो बहुत काम कर सकता है लेकिन लिमिट रखता है कि मकान मीटा जोड़ना है तो 500 ईटा से अधिक नहीं जोड़ना है सबको, उसी तरह आप लोगों को क्या है, कोई आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता है, या हम शिक्षक लोग आपके लिए अधिक से अधिक समय दान देना चाहते हैं, अधिक से अधिक घुमा फिरा के बताना चाहते हैं, आप लोग हम जितने भी शिक्षक बंधु हैं उनको साथ दीजिए, गुरु तो गुरु होता है ना, गुरु आपके भलाई के लिए ही सोचते हैं, है कि नहीं, हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोग भी अपने लिए कुछ कीजिए, हाँ इसलिए समय नहीं कि कितना मिनट कितना हो गया, कि नहीं, ये तो 5 से 7 मिनट में बातें ख़त्म हो जाती, लेकिन हम ख़त्म अभी कर कहाँ रहे, अभी तो आपको और आप नहीं, आप लोग नहीं ना पढ़ते हो वैसे, अब मेरा लेक्चर है सुनो ना, बकवास बकवास सुनो अपने याद हो जाएगा। तो दो फेज हुआ, अमेरिकन फेज और ब्रिटिश फेज। तो अमेरिकन फेज में भी कुछ पुस्तकें लिखे होंगे और ब्रिटिश फेज में ही, तो इसीलिए देयरफोर हिज वर्क आर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। हाउ मेनी फेजेस पूछ दे, WH ऑर्डेन के वर्क को कितने फेज में बांटा गया, तो बोलेंगे टू फेजेस, फर्स्ट इज अमेरिकन फेज और सेकेंड इज इंग्लिश फेज, या फर्स्ट को रखो इंग्लिश फेज, सेकेंड को अमेरिकन फेज। तो इंग्लिश फेज मान इंग्लैंड में जब रहते थे, इंग्लिश फेज बोलो ब्रिटिश फेज बोलो या इंग्लैंड में जब रहते थे, फेज फेज मन अवस्था भी होता है। चलो, तो
अमेरिकन फेज में बहुत सारे पुस्तक लिखे होंगे, इंग्लिश फेज में बहुत सारे पुस्तक लिखे होंगे, और चलिए हाँ अब आप लोगों को आपके बुक में लिखा हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं पॉकेट से नहीं बताऊंगा, आपके बुक से ही बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता होगा, लिखा हुआ मैं सुना देता हूँ। द नोटेबल वर्क मीन्स द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ इंग्लिश फेज, इंग्लिश फेज यानी जब वो इंग्लैंड में रहते थे उस समय वो महत्वपूर्ण क्या क्या काम किए, क्या क्या लिखे, याद रखेगा। द ऑरेटर्स, पहला क्या था, द ऑरेटर्स, पुस्तक का क्या नाम है, ऑरेटर्स, द ऑरेटर्स। पहले जैसे पिछले वीडियो में आप लोग सभी कवि का महत्वपूर्ण किताब का नाम लिखाते थे, तो वो तो एक ही जगह लिखा थे, यहाँ तो दो जगह लिखना होगा ना, कि अमेरिका में रहता अमेरिकन फेज में कौन कौन बुक लिखे, तो अमेरिकन फेज में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक ना करवा दिया आप लोग, मिस्टेक हो गया ना, इंग्लिश फेज में बता रहे थे, द नोटेबल वर्क ऑफ इंग्लिश फेज, इंग्लिश फेज में वो लोग क्या लिखे, इंग्लिश फेज में क्या लिखे, इंग्लिश फेज में डब्ल्यू एच ऑर्डन क्या लिखे, फर्स्ट बुक का नाम लिखे द ऑरेटर्स। उसके बाद क्या है, द डांस ऑफ डेथ, द ऑरेटर्स, बोले मेरे साथ, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, ये अलग अलग बुक का नाम है, द ऑरेटर्स कॉमा द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पेन, फिर से एक बार बोलिए, द ऑरेटर्स कॉमा मतलब अगला, कॉमा हम बोलेंगे समझेंगे अगला बुक का नाम, द ऑरेटर्स द डांस ऑफ डेथ कॉमा लुक अ स्ट्रेंजर कॉमा अ स्पेन एंड एंड अनदर टाइम्स। ये जो गया ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पेन, अनदर टाइम्स, ये जो लिखे थे कब, कब लिखे थे, 1939 से पहले जब वो इंग्लैंड में रहते थे इंग्लिश फेज में। अब इसके बाद द नोटेबल वर्क या द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ डब्ल्यू एच ऑर्डेन इन अमेरिकन फेज, अमेरिकन फेज में वो क्या क्या लिखे, चलिए अमेरिकन फेज में जो बुक लिखे यानी जब वो अमेरिका में रहने लगे तब वो कौन कौन बुक लिखे, ध्यान से सुनिए, और देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिखा हुआ, आपको बस मुझे भी देखिए, देखने से अधिक उसको सुनिए, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे इस वीडियो का डेट दिया होगा, नीचे इस वीडियो का डेट देखिए ना, जस्ट कहेगा क्या बोल रहे हैं सर, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं समझता है, कुछ हाँ ऐसे, ओ गांव वाले भाई नया नया न्यू मोबाइल लिए हैं, अभी मोबाइल चलाने नहीं आता, बिल्कुल चलाने आता है, बस टीपी एकेडमी अंग्रेजी पढ़ने के लिए मुझसे यदि पढ़ना हो तो टीपी एकेडमी सहरसा, यूट्यूब पर जाइए टीपी एकेडमी सहरसा सर्च कीजिए, किस पे, यूट्यूब पे जाना है और टीपी एकेडमी सर्च करना है और मेरा लेक्चर को सुनना है और जो अच्छा लगे उसको लिखते जाना है। तो जो नया मोबाइल वाले भाई लोग हैं, बहना लोग हैं, बस वीडियो के नीचे इस वीडियो का डेट देखिए, कोना पे एक तीर टाइप का होगा, तीरा टाइप का दाएं सर कोना पे तीरा टाइप का होगा, त्रिभुज टाइप का, उसको ऐसे कीजिए, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, तो सारा चीज़ दिया हुआ है ना, बिल्कुल दिया हुआ है। हाँ तो क्या बता रहे थे आप लोगों को, अमेरिकन फेज में जो वो लिखे न्यू ईयर लेटर, न्यू ईयर अरे नया साल को क्या बोलते हैं आप लोग, याद करते चलो, न्यू ईयर लेटर, न्यू ईयर लेटर पहला, दूसरा फॉर द टाइम बीइंग, पहला क्या है न्यू ईयर लेटर, दूसरा क्या है फॉर द टाइम बीइंग, फिर तीसरा द एज ऑफ एंग्जाइटी, ए एन एक्साइटी, द एज ऑफ एंग्जाइटी बोलोगे इसको, एंग्जाइटी और नहीं बोलोगे, द एज ऑफ एंग्जाइटी। नेक्स्ट क्या है बुक का नाम, द शील्ड ऑफ अचाइस, द शील्ड ऑफ अचाइस। चलिए तो बात यहां खत्म हो गई, अब आप लोगों को जो डब्ल्यू एच ऑर्डेन साहब का पोएम पढ़ना है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम आप लोगों को पढ़ना है, यह कविता का मेन थीम क्या है,
मेन थीम होता है किसी का मेन भावार्थ अर्थ। तो नाउ द लीव आर कॉलिंग फास्ट के माध्यम से कवि डब्ल्यू एच ऑर्डेन ने क्या बताया है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा, फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, याद रखेंगे। पूछ दे नाउ द लीव आर कॉलिंग फास्ट के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है, तो फ्रस्ट्रेशन निराशा इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में जो निराशा, मानव जीवन में जो निराशा पाया जाता है, उसी निराशा को इस कविता के माध्यम से कवि ने हम लोगों को प्रस्तुत किए हैं, कवि ने हम लोगों को सामने रखे हैं। अब और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर पोएम है। मन तो होता है अभी ही आप लोगों को इसी वीडियो में इस पोएम को बता दूं, लेकिन नहीं, आप लोगों को अब होमवर्क दे रहा हूं। आपके पास ट्वेल्थ का रेनबो बुक होगा, पीछे वर्ड पावर को आप दो चार बार पढ़ लीजिएगा, और रेनबो में जो पोएम दिया हुआ है पेज नंबर 138 में, ये पोएम है पेज नंबर 138। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पोएम को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मन तो होता अभी ये पढ़ा दूं, नहीं धड़फड़ी मत करो, अच्छा से बताऊंगा, ठीक ना, समझ रहे हो ना बात को, एकदम अच्छा से आप लोग को बताएंगे, इतना खाओ कि पच सके, नहीं तो मान लो वर्ड में लगा पिछला वीडियो यदि 10 मिनट, आज बताएं 10 मिनट या 20 मिनट, 15 मिनट लगा, 15 दुना 30, आ फिर इसको बताएंगे इसका लाइन बलैन, 15 मिनट 45 मिनट, आ फिर इसका समरी उमरी, तो मिला जुला के 1 घंटे का एक वीडियो बना देंगे तो नहीं कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बोलते हैं कि प्रोफेशनल टीचर तो हम नहीं बनना चाहते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर एकदम खींचते चलिए हवा, हवाई जहाज की तरह, हाँ एकदम मत देखिए पैसेंजर का क्या हाल हो रहा है, एकदम नहीं ट्रेन का ड्राइवर ना देखे पीछे, एकदम गाड़ी को रोका स्टार्ट कर दिया आगे बढ़ता जा रहा है, तो जैसा को आप लोग करेंगे, छोड़िए बाहर की बात है। आप लोगों को अब इस पोएम को एक बार मैं रीडिंग देके सुनाता हूँ, आप लोग किताब उल्टा करके पेज नंबर रेनबो 12 का पेज नंबर 138 को एक बार दोबारा पोएम को पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा पोएम है, देख रहे हैं ना कितना छोटा पोएम है, एक ही पेज में। इसको मैं रीडिंग देता हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे तो सबको लेकर चलना है। कहते देयर आर 5 फिंगर्स इन हैंड बट नॉट सेम हाउ 5 स्टूडेंट्स आर सेम, प्यारे विद्यार्थियों हाथ में 5 उंगली हैं, आपके हाथ में 5 उंगली हैं, क्या 5 उंगली समान हैं? आपके हाथ में 5 उंगली है, देयर 5 फिंगर्स इन योर हैंड बट नॉट सेम और 5 स्टूडेंट आर सेम, डिफरेंट प्लेस इज डिफरेंट फैमिली। एक माँ बाप के 5 बच्चे एक समान नहीं होते, एक बुद्धि वाला एक सोच वाला नहीं होता है। और हम शिक्षक को जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं सब अलग अलग दिमाग वाले, सबको संतुष्ट करना है। हाथ में 5 उंगली है तो सब मजबूत है, सर ये बहुत मजबूत है, ये कमजोर है, मुट्ठी बांधेंगे तो योगदान तो सबका होगा ना, मजबूत का भी होगा, बड़ा का भी होगा, सर ये छोटा है ये बड़ा नहीं, सभी बराबर है, तो मुझे तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना, सबको लेके चलना पड़ेगा। सबसे अधिक ध्यान हम लोग किस पे देते हैं, आप ही बताओ, आप 5 भाई हो, सबसे अधिक प्यार मलार आपके मम्मी पापा, आप किनको देते हैं, छोटी बहन को, छोटी जो है छोटी सी है गोदी में ले लिया, हाँ बुड्डू बुड्डू करते रहते हैं पुट्टू मुट्टू, छोटा भाई को ना एकदम छोटा भाई को गोदी में लेके एकदम, लड़कियां लोग भी हाँ छात्रा लोग हाँ, छोटी बहन भाई को नहीं कि बड़का भैया को ऐसे आइए, हम लोग नहीं ना करते हैं, बड़के भाई को कंधा बैठेंगे, छोटा भाई को ना, तो वो कमजोर भैया
अरे जो जो मजबूत है वो तो खुद दौड़ सकता है, चल सकता है, गिरे हुए को उठाने की कोशिश करो आप लोग भी। तेज तो कहीं पढ़ लिख लेगा, तेज के लिए तो पूरा इंडिया फ्री है। छोटे भाई बहनों, जिन्हें जो जो अपने आप को कमजोर मानते हैं, मत मानो कमजोर, मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं। कहीं भी दिक्कत होता है ना तो कमेंट कीजिए। हाँ, हमको ये दिक्कत नहीं कि कोई कमेंट मुझे गाली दे देगा, बस जो बोल कमेंट करे, पॉजिटिव में कमेंट करे तो भी अच्छा, निगेटिव में करे तो भी अच्छा। अब 5-10 मिनट के वीडियो में लगा दिया हमें, तो कटना टाइम आप देख ही रहे ना, तो बहुत लोग को बोरिंग भी लगता है, तो निगेटिव में कमेंट करेंगे। लेकिन एक टीचर के रूप में जा करके अगर आप सोचिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। अब थोड़ी है कि कुंजिका छाप छाप टीचर हैं, एकदम सुरबे किए हैं, एकदम कोमा ले लेते पढ़ेंगे। ए से शुरू करेंगे तो जेड तक बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि लंबा अनुभव, इतने दिन सब पढ़ा रहे। लेकिन सबको लेके चलना है ना, हम पढ़ा दें सबको समझ में आए। तो जो भाई लोग तेज हैं, बहुत तेज हैं, आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो फिर वेट एंड वॉच, आपके लिए एक दूसरा चैनल अब लगता है मुझे बनाना पड़ेगा, एकदम फॉरेनर नहीं, जैसे अंग्रेजी बोलता है उस तरह से आप लोगों को इंग्लिश, अंग्रेजी बहुत मजबूत है ना, तो मजबूत वाले के लिए एक अलग से नहीं होगा तो चैनल बना लेते हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश वगैरह पढ़ेंगे, यदि आप लोग कमेंट में बोलोगे तब। आप कुछ लोग, यदि आप लोगों को कोई भी इच्छा हो किसी तरह का कि सर ग्रामर पढ़ाइए, ग्रामर में इस चैप्टर में दिक्कत है, सबसे पहले हम ये वीडियो बनाते हैं, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, आप लोग फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लग रहा है, कहाँ कमी बुझ रहा है, तमाम चीज़ बताइए, तभी आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई मिलेगा। हाँ, कारण कि मेरे इस हमारे हमसे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे, ग्रामर पर्सन लग, हाँ, 2-3 टॉपिक को छोड़ के तमाम पढ़ा दिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, है कि नहीं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कभी ना कभी 2-3 महीना के लिए खुल जाए ना, 30 घंटा के लिए भी खुल जाए ना, हालांकि सुनते हैं खुलने उलने वाला है, खुल जाए तो 30 घंटे में आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले बार बहुत बार करवाए हैं 30 घंटे में गारंटी कोर्स, हर बार होता है 30 घंटे का, तैयारी हो जाए, टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ जुड़े वो टेंशन मत लो, क्या कहाँ क्या समस्या है वो चीज़ बताइए। आपके आप ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास पढ़ते हो नहीं पढ़ते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के साथ समस्या, सभी स्टूडेंट एक समान है मेरे लिए, जहाँ दिक्कत है बताइए, और हम भी अपनी परेशानी को आपके सामने साझा करेंगे, है कि नहीं। तो आज आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, बीच में हम लोग थोड़ा समय को बर्बाद कर दिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को आप लोग रीडिंग देके रखना, एक बार मैं रीडिंग देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुने। Now the leaves are falling fast, now the leaves are falling fast, nursery flower will not last, nurseries to grapes are gone, and the palms go rolling on. Whispering neighbors lift and eyes, pluck us from the real delight, and the active hands must freeze, lonely on the separate niche. Dead in her dead at back, follow wooden in our take, arms raised, steeped to be proof, in false attitude of love, starting through the leafless wood. Trolls run scowling for their food, and the nightingale is dumb, and the angle will not come. Call the impossible ahead, list the mountains, lonely head, woods, white water for food, please, tremulous in the last distance. एक बार और ध्यान से, speed में. Now the leaves are falling fast, nurses flower will not last, will not last, nurses to the graves are gone, and palms, go rolling on, whispering neighbors left and I pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees. Dead in her days at the back, follow Uden in our take, arms raised, steppy to reprove in false attitude of love. Starting through the leafless wood, trolls learn as called for their food, and the nightingale is dumb, and the angle will not come. Call impossible ahead, list the mountains lonely heat, with white waterfall to bliss.
टेबल्स इन द लास्ट प्लेस। तेज विद्यार्थियों के लिए आगे को कमजोर भाई लोग देहाती उच्चारण देहाती बिहारी कहिए इंडियन इंग्लिश में, इसको एक बार देख लीजिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द पार्म्स गो रोलिंग ऑन, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर टेक, आर्म्स रेज स्टिफी टू रिप्रूव, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, ड्रॉल्स रन स्कॉलिंग फॉर देयर फूड, एंड द नेट एंगल इज डम्ब एंड द एंगल विल नॉट कम, कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लॉनली हेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस। आप लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए तन मन से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक समस्या तो है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। अगर हम देखेंगे पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा है तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए मैं पर डे वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। देखिएगा पहला वीडियो का डेट, सप्ताह में मुश्किल से 2-3 वीडियो, जब देखेंगे फीडबैक अच्छा आने लगा, सब्सक्राइबर का रेट बढ़ रहा है, तो आप लोगों को एक दिन में एक वीडियो क्या मत पूछो कितने वीडियो, सब्सक्राइबर का रेट, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करोगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो क्या। तो हम देखेंगे जो हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके समूह के सामने परिचय हम दे रहे हैं, आप लोगों को जो बता रहे हैं, जब रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा तभी ना मुझे पढ़ाने में मन लगेगा। तो जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं आप अधिक तेज मत बनिए, आप अगर पॉजिटिव वे में जाएगा तब तो मैं आगे वीडियो लगातार बनाता रहूँगा, नहीं तो आपको पता है टीपी यादव का ये दिमाग, आगे क्या करूँगा, 5 पोएम आप कंप्लीट, पोएम लगा के 5 पोएम आपको मुफ्त में कंप्लीट कर दिया, लेकिन पता होना चाहिए इस 5 पोएम को पढ़ने के लिए किसी बड़े शहर में चल जाओगे ना, तो नहीं अधिक से अधिक तो वहाँ 1,000-2,000 रुपया तो लग ही जाएगा बड़े शहर में, क्योंकि आप जोड़ो ना आपको ग्रामर प्लस बुक मिला के वही 11-12 दो साल आप समय देते हैं, कहीं भी आप पढ़ाई करते होंगे लोकल टाउन में तो 2,000-2,500 रुपया करके लगता है ना, तो 2 साल का 4,000 या 5,000 रुपया लग जाता है ना, और 12th में चलो 1 साल का कोर्स होता है, एक साल का कोर्स होता है तो ग्रामर प्लस बुक पढ़ते हो ना, अब सही माने में अगर सोचो तो रेनबो बुक कितने घंटे का है, सप्ताह में 102 वीडियो ही आपको दिया, वो भी 20 मिनट का, कोई 9 मिनट का भी वीडियो है, कोई 10 मिनट का, 12 मिनट का, एक ही वीडियो शायद 40 मिनट का है। अब ये सोचो अगर 1 घंटा करके वीडियो दे तो मुश्किल से 10 कविता है, 11 कहानी है, 11-10 21 वीडियो में ये पूरा रेनबो के रूप में आ जाता कि नहीं। और इसी सिलेबस को जब आप कहीं पढ़ाई करते हो तो इंटर में होता क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायोलॉजी क्या क्या विषय, 4 से 5 बस एक्सरसाइज करते रहो, एक बार इस कोने में पढ़ने जाओ फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, इधर इधर घूमता रहता है, एक्सरसाइज करते रहो, कितना मज़ा आता था। आप 5 किलोमीटर से जब हम तक पढ़ने के लिए आते थे तब बहुत मज़ा आता था आपको, कहिएगा गलत बोल रहे हैं सर, 5 किलोमीटर से आते थे है ना, पाछे कहाँ कहाँ से लड़के आते आप याद कीजिए ना, कहाँ कहाँ दूर दूर से, कहीं मेरे यहाँ नहीं सबके यहाँ 5-10 किलोमीटर से आते थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब जब हम गुरुदेव लोग आपको मदद कर रहे हैं बैठे बैठे, आपको कहते घर बैठे बैठे कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए, आप कॉपी में लिखिए तो आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही है,
कर्महीन मत बनिए, कर्मशील बनिए, क्योंकि यदि आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, और नहीं अगर सफलता चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, कान में तेल लेकर सदा सदा के लिए सो जाइए। और जनरली कहा जाता है मुफ्त में जब कोई चीज़ मिलता है ना तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, समझ रहे बात को। यही ये पढ़ाई का वीडियो, आप 5 पोएम पढ़ाएं तो कम से कम 5 पोएम का मतलब क्या होता है, 5 पोएम का मतलब पूरे 5 पोएम का मतलब 15-20 मार्क तो कम से कम, 15-20 मार्क या 5 पोएम पढ़ा दिए तो ये सबसे बड़ी होता आइडिया ना। हम अपनी आइडिया, मेरे पास बहुत तरीका पढ़ाने को, उसमें से एक आइडिया दिया कि इस तरह से आप पढ़ाई करो, तो इतना को इतना आइडिया दे दिया कि सेल्फ से भी आप नेक्स्ट पोएम को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते नेक्स्ट पोएम को, खाली पढ़ो 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 पढ़ो, ये दिमाग को पॉजिटिव भी करोगे तो आपको ये मुफ्त में मिल रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे टीचर आपको मुफ्त में देते होंगे, लेकिन ये यही समय एक उपयुक्त समय है जो आप समय का फायदा उठाइए। इस लॉकडाउन के बहाने समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए ये लॉकडाउन जो है ना ये बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि आप जब किसी शहर में, लोकल टाउन में खास करके, जहाँ अलग अलग क्लास होता है, आप रहते थे तो 5 कोचिंग जाने आने सब मिला के 10 घंटा कम से कम आपका बर्बाद होता था। आप कुछ कुछ ऐसे गुरुदेव हैं जो आप लोग को 2 घंटा पढ़ाते होंगे जो भी विषय हो, तो आपका ये 12 घंटा में तो 10 घंटा क्लास में ही बीतता था, ना खाने का समय ना सोने का समय। लेकिन आज तो आपको स्टडी करने का समय मिल रहा है ना, दीजिए हर एक विषय पे दीजिए, बहुत सुनहरा अवसर है। जब कोई आपत्ति आ जाए तो एक नई रास्ता खोजिए, बात समझ में। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, जहाँ आप रह रहे हैं भूकंप आ गया, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप सोते हैं उसमें नहीं, जमीन पर चौकी दिए हुए, जहाँ दिए हुए, मान लीजिए आप भूकंप आ गया, सपोज कीजिए आपका जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे हॉल हो गया, छिद्र हो गया इतना बड़ा, तो आप उस रूम को छोड़ दीजिएगा। रूम अगर कहीं नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बांस का मचान बना करके, कुछ भी तख्ता उख्ता का बना करके वहाँ पर जाम कर दोगे ना, तो उपाय है ना, तो लॉकडाउन का भी उपाय है। अब लाइव क्लास चल रहा है, कितने गुरुदेव दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, हर एक तरह से आपको मदद कर रहे हैं। आप मौका का फायदा उठाइए और जीवन आगे बढ़िए, नहीं तो ये आलतू फालतू बात, आप लोग बहुत क्लासेस करते होंगे, ये सुनने का मौका आपको नहीं मिलता होगा। बस हम टीचर का काम ही है कि एक्सरसाइज को पकड़ो, बस एक ए से जेड बना दो, सवाल हो गया, आओ बस सिलेबस ख़त्म कर लो, तेरा पढ़ाई हो गया। सिलेबस ख़त्म करने से पढ़ाई नहीं होती है, बस जो कह रहा हूँ इस बात पे ध्यान दीजिए, नहीं तो सिलेबस तो ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। छोड़िए बाहर का, हमारे विषय के लिए कम से कम आधे घंटे घंटा रोज दीजिए, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस पोएम को हिंदी करके, प्रत्येक लाइन का हिंदी करके बताएंगे, उसका समरी वगैरह बताएंगे, फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, और बहुत जल्दी धमाकेदार शुरुआत होगी। इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल जूनियर टू सीनियर, फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी, सबके लिए ग्रामर, चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा हो या किस सीनियर क्लास को, सबके लिए ग्रामर फॉर ऑल, फॉर 11th 12th, बैंकिंग, SSC, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, NDA, सब के लिए ग्रामर की शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी। और तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, आज बहुत बात कर दी आप लोगों के साथ, क्षमा कीजिएगा।